हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एपीएलएल परिवार की तरफ से एपीएलएल वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम में। ऑनलाइन प्रोग्राम को परचेज कर लेने के बाद आप कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस के लिए, आइए देखते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको चले आना है गूगल पे और गूगल पे टाइप करना है www.apll.info। एंटर कीजिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा apll.info का। इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। लिंक पे क्लिक करते ही आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं। वेबसाइट पे विजिट करने के बाद आपको चले आना है स्टूडेंट जोन सेक्शन में। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है, आपको ऑप्शन मिलेगा वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम का। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आपको दिखाई देगा, जिस फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। चलिए दिखाता हूँ कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर लेना है। सबसे पहले प्रोग्राम नेम में आपको प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपने परचेस किया है। मैं यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स चूज करता हूँ। उसके बाद आपको डेट पे चले आना है और डेट सिलेक्ट कर लेना है जिस डेट में आप क्लासेस करना चाहते हैं। डेट के सिलेक्ट करने के बाद ही आपके सामने टाइम आ जाएगा। जिस टाइम पे आप क्लासेस करना चाहते हैं उस टाइम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे उस स्टूडेंट का नाम फिलअप करना है जो स्टूडेंट यहाँ पे क्लास करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी नंबर फिलअप कर लेना है जो कि आपको अपने इनवॉइस पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसिप्ट नंबर दे लेना है, ये भी आपको अपने इनवॉइस पे मिल जाएगा। यहाँ डेट ऑफ परचेस पे आपको किस डेट में आपने प्रोग्राम को परचेस किया था उस डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर, याद रहे यहाँ दिया गया मोबाइल नंबर उसी स्टूडेंट का होना चाहिए जो इस क्लासेस को करेंगे। ये नंबर कॉन्टेक्ट और रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। कंपनी द्वारा इसी नंबर पे कम्युनिकेशन या फिर मैसेज किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे लेना है। यहाँ दिया गया ईमेल आईडी जरूर सही से चेक कर ले, इस ईमेल आईडी पे आपका सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा। उस ओटीपी को देख के यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद के वेरिफिकेशन डिटेल्स आपको स्टूडेंट जोन के नेक्स्ट सेक्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर्म को ध्यानपूर्वक फिलअप करें। मैं यहां आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। स्टूडेंट नेम, नेम यहां पे उसी स्टूडेंट का होना चाहिए जो क्लास को करेंगे। पूरा नाम फिलअप करें क्योंकि इसी नाम पे आपका सर्टिफिकेट प्रोसेस होगा। मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। कंपनी द्वारा इसी नंबर पे कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी चेक कर ले, इसी ईमेल आईडी पे आपका सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।